हेलो गाइस, तो स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आ गए एक और नए वीडियो के साथ हूँ। तो अभी तक हम लोग देखे हुए थे कि अगर MySQL डेटाबेस के रिकॉर्ड को अगर JText फील्ड में शो करना होगा तो कैसे शो करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हुए थे पार्ट वन वीडियो में। पार्ट टू में हम लोग देखे हुए थे कि कैसे हम लोग MySQL डेटाबेस के जो रिकॉर्ड है उसको अगर एक साथ हम कोई भी टेबल में शो करना चाहें तो उसको कैसे शो कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात किए हुए थे पार्ट टू वीडियो में। और पार्ट थ्री में हम लोग देखे हुए थे कि कैसे अगर हम MySQL डेटाबेस के रिकॉर्ड को टेबल में शो करते हैं और उसको हम लोग अगर सर्च करना चाहें, या तो सर्च बटन के थ्रू या टेक्स्ट फील्ड एरिया के थ्रू अगर हम लोग सर्च करना चाहें तो उसको कैसे सर्च करेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम बात किए हुए थे पार्ट थ्री वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो तीनों वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये ऑपरेशंस देखने वाले हैं कि कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। तो जैसे कि कुछ रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और उस रिकॉर्ड को हम चाहते हैं कि जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करें तो जो मेरा रिकॉर्ड है MySQL डेटाबेस में जाके सेव भी हो जाए, देन वो रिकॉर्ड अपडेट होके इस टेबल में भी शो होने लगे। तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। जब आप जावा में प्रोजेक्ट बनाइएगा तो इस तरह से कुछ ऑपरेशंस आप करेंगे ही उसमें, तो इसलिए आप पहले ही इस ऑपरेशंस को करके देख लीजिए कि कैसे होगा, समझ लीजिए, देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो जैसे कि अगर आप अपडेट करना चाहते हैं कोई रिकॉर्ड को MySQL डेटाबेस में तो वहाँ पे कमांड होता है अपडेट कमांड, तो उसके थ्रू तो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम इस बटन के थ्रू कैसे करेंगे या फिर डिलीट कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने सोर्स कोड एडिटर में। तो यहाँ से हम लोग कोडिंग करेंगे कि किस कैसे कैसे ये वर्क करेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो इस वीडियो में। तो चलिए डिजाइनिंग में आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारे बटन पे देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड में देख लेते हैं कि ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करें तो जो भी मेरा रिकॉर्ड रहेगा इसमें टेक्स्ट फील्ड एरिया में, ये रिकॉर्ड मेरा क्या होना चाहिए कि MySQL डेटाबेस में जाके स्टोर भी हो जाना चाहिए, देन वो रिकॉर्ड मेरा इस टेबल में शो भी हो जाना चाहिए। तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ऐड बटन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इवेंट में आएंगे, एक्शन एक्शन परफॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग को जो भी कोडिंग करना है या फिर जो इसका बैकएंड कोड होगा वो बैकएंड कोड हमको यहाँ पे लिखना है। तो क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग तो अभी बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने MySQL डेटाबेस को। तो MySQL क्लाइंट सर्वर को ओपन कर लेंगे यहाँ पे और अपना पासवर्ड डाल के हम लोग यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। तो चलिए शो डेटाबेस, तो कॉलेज डेटाबेस को हम लोग यूज करने वाले थे तो यूज कर लेते हैं कॉलेज डेटाबेस को। तो ये रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट है तो अब जैसे हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो कॉलम है कॉलम का नाम आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ठीक से, क्योंकि इसका हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग रजिस्टर तो पहले ही कर चुके हैं और डेटाबेस कनेक्शन पहले ही कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग को क्या करना है कि डायरेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन का जो एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हुए थे कन, उसमें हम लोग क्या किए हुए थे कि उसका जो कनेक्शन आईडी है स्टोर कर लिए हुए थे। तो उसी कनेक्शन आईडी के थ्रू हम लोग अभी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में रख लेंगे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हुए थे यहाँ पे देख सकते हैं PST, इसका यूज करेंगे और कनेक्शन का जो कन डिक्लेयर किए थे इसका यूज करने वाले हैं। तो आ जाएंगे अपने इसमें और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे PST का जो ऑब्जेक्ट, हाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हुए थे PST, उसमें इज इक्वल टू करेंगे कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में रखे रहेगा तो जो हम कमांड पास करेंगे यहाँ से वो कमांड मेरा MySQL में जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या क्या हो रही है यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड क्या होता है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यहाँ पे हम लोग देते हैं। तो स्टूडेंट है मेरा टेबल का नाम, तो स्टूडेंट दे देंगे, जो भी आपका टेबल का नाम है टेबल का नाम यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है इंसर्ट इनटू, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर में लिख लेते हैं अपना कॉलम का जो भी नाम है। तो कॉलम का नाम मेरा यहाँ पे क्या सब था, तो कॉलम का नाम मेरा आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास
पोस्ट कोड और टेलीफोन है, तो ये सब हम यहाँ पे दे देते हैं, जो भी आपका नाम है। तो जैसे हम लोग MySQL डेटाबेस में क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, सेम कमांड यहाँ पे भी लिखेंगे। तो इंसर्ट, तो सबसे पहले मेरा आईडी है, तो आईडी दे देते हैं। जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे देंगे, वैल्यू भी उसी सीक्वेंस में ऐड करेंगे। तो आईडी दे देते हैं, फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम देंगे, देन लास्ट नेम, उसके बाद पोस्ट कोड है तो पोस्ट कोड दे देते हैं, देन सबसे लास्ट में टेलीफोन था तो टेलीफोन दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद वैल्यूज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे। जितना भी मेरा यहाँ पे कॉलम ऐड किए हैं, तो 5 कॉलम ऐड किए हैं, तो 5 हम क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे, इसलिए क्योंकि इसको हम लोग बाद में ऐड करने वाले हैं, तो 5 दे दिए यहाँ पे। देन ब्रैकेट बंद करेंगे और लास्ट में सेमी कोलन दे देंगे। तो इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होता है, तो ट्राई और कैच हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैनुअली भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एरर नहीं शो रहा है तो आप मैनुअली ऐड कर लीजिए, या नहीं तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऐड करके हमको दे देगा। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो प्रीपेड स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, PHT.setString करेंगे, सेट स्ट्रिंग। इसमें क्या करेंगे, तो पहला सेट करना है तो 1 दे देंगे, दूसरा के लिए 2 देंगे, इस तरह से दे देंगे। 1 पास करेंगे कि मेरा पहला जो कॉलम है उसमें इसको ऐड कर देना है। तो फर्स्ट में क्या करने वाले हैं, तो txt id.getText, तो जो मेरा txt id में जो टेक्स्ट है उसको गेट करके यहाँ पे ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे मेरा id में। तो चलिए ये मेरा फर्स्ट हो गया। तो सेकंड वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पे 2 पास करेंगे सेकंड कॉलम के लिए। सेकंड कॉलम में क्या देने वाले हैं, तो फर्स्ट नेम, तो इसके लिए हम लोग txt फर्स्ट नेम ले लेंगे, देन गेट टेक्स्ट। इस तरह से जल्दी से हम लोग कर लेते हैं सारा को। तो तीसरा हो गया, तो PHT.setString, चौथा चौथा मेरा क्या रहेगा, txt postcode, txt code.getText। उसके बाद पांचवा क्या रहेगा मेरा, PHT.setString, पांचवा मेरा क्या है, तो txt टेलीफोन नंबर, टेलीफोन डॉट गेट टेक्स्ट। तो इस तरह से मेरा ये ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी कॉलम का नाम है उसका जो रिकॉर्ड है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा 5 कॉलम में आ गया। तो इसको हम लोग को एग्जीक्यूट करना होगा, तो एग्जीक्यूट के लिए क्या कमांड होगा, तो सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे, PHT.execute update, क्योंकि अपडेट हम लोग को करना है, तो PHT.execute update। तो एग्जीक्यूट क्वेरी हम लोग कब रन करते हैं, जब हम लोग को रिकॉर्ड लेना होता है। तो अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट हम लोग यहाँ पे अपडेट मेथड जो है उसको कॉल कर लेंगे। तो एग्जीक्यूट अपडेट यहाँ पे होना चाहिए, एक मेथड देख लीजिए, हाँ एग्जीक्यूट अपडेट है, इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो अगर सब चीज़ सही रहा तो ये रिकॉर्ड को क्या करेगा, इंसर्ट कर लेगा। चलिए देखते हैं कि रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट होता है कि नहीं। तो आ जाएंगे, रन बटन पर क्लिक करके रन कर लेंगे हम इस प्रोजेक्ट को। तो जैसे ही रन होगा देख सकते हैं कि आउटपुट मेरा शो होने लगा है। चलिए एक नया रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं कि रिकॉर्ड ऐड होता है कि नहीं। तो एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग ऐड कर लिया। अब जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करें तो मेरा रिकॉर्ड ऐड हो जाना चाहिए। चलिए ऐड बटन पर क्लिक करके देखते हैं कि ऐड होता है कि नहीं। तो अभी तो कुछ अगर एरर आता तो मेरा एरर नीचे से होना चाहिए था, अगर एरर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि मेरा रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो अभी तो मेरे टेबल में तो वो रिकॉर्ड ऐड ही नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर तो मेरा रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब MySQL डेटाबेस में देख लेते हैं कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर से वहीं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट कमांड को रन करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा लास्ट रिकॉर्ड है ऐड हो चुका है यहाँ पे, तो लेकिन मेरा टेबल में ऐड नहीं हुआ है। तो टेबल में ऐड इसलिए नहीं हुआ, तो टेबल में तो ऐड हो चुका है लेकिन शो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम फिर से टेबल में जो हम रिकॉर्ड शो करते थे उस मेथड को कॉल किए नहीं यहाँ से। तो उस मेथड को कॉल कर लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जीक्यूट अपडेट होगा तो शो
रिकॉर्ड मेथड को कॉल कर लेंगे ताकि अब जब रिकॉर्ड ऐड होगा मेरा तो शो हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं कि अब काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं कि जैसे एग्जीक्यूट किया तो लास्ट रिकॉर्ड मेरा शो होने लगा नीचे। तो चलिए नया रिकॉर्ड हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो कोई एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लिया, देन ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरा जो लास्ट रिकॉर्ड है ऐड हो गया है। तो ये ऐड बटन कैसे वर्क कर रहा है आप लोग देख लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट बटन है उस पर कोडिंग कर लेते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट मेरा क्या है, अपडेट। तो अपडेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो कोई रिकॉर्ड यहाँ पे शो होना चाहिए इस टेक्स्ट फील्ड में, और जो रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे और अपडेट बटन पे क्लिक करें तो मेरा अपडेट हो जाना चाहिए डाटाबेस में, और जैसे ही अपडेट होगा डाटाबेस में तो वो रिकॉर्ड मेरा इस टेबल में भी शो हो जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो अपडेट बटन को सेलेक्ट करेंगे, इवेंट में आएंगे, एक्शन एक्शन परफॉर्म में। तो अब यहाँ पे हम लोग को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए भी सेम यूज करेंगे जैसे कि अभी हम इंसर्ट करने के लिए किए थे। तो यहाँ पीएचटी का यूज करेंगे, तो पीएचटी इज इक्वल टू कर्न डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और स्ट्रिंग में हम लोग क्या करेंगे इसका जो कमांड है उसको पास कर देंगे। तो इसका क्या होगा, तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो अपडेट अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट मतलब हुआ कि अपडेट टेबल नेम। तो टेबल नेम मेरा यहाँ पर स्टूडेंट है, आपका जो टेबल नेम है वो टेबल नेम यहाँ पर दे दीजिए। तो अपडेट स्टूडेंट सेट, सेट क्या करना है हम लोग को तो वो यहाँ पे दे देंगे। सबसे पहले हम लोग को सेट क्या करना है, तो फर्स्ट नेम सेट करना है क्योंकि आईडी हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। आईडी अपडेट करने का मतलब है कि उसको अपडेट करेंगे तो फिर मेरा रिकॉर्ड ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आईडी को हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, बाकी चीज को अपडेट कर देते हैं। तो फर्स्ट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे क्योंकि इसको पीएचटी डॉट सेट स्ट्रिंग के थ्रू हम लोग गेट टेक्स्ट करके सेट करने वाले थे, इसलिए वाट का सिंबल दे देते हैं यहाँ पे। देन कॉमा, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, नेम इक्वल टू व्हाट कॉमा लास्ट नेम, उसके बाद पोस्ट कोड, देन सबसे लास्ट में टेलीफोन, टेलीफोन इक्वल टू व्हाट। तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं, अपडेट टेबल नेम देते हैं सेट, जो भी कॉलम को अपडेट करना है उस कॉलम को देते हैं, देन सबसे लास्ट में हम लोग कंडीशन के साथ देते हैं कि किस टेबल को करना है। तो वेयर वेयर आई डी इक्वल टू वन, आई डी को भी हम लोग सेट करेंगे किसके थ्रू, तो इसी के थ्रू। तो चलिए सेमी कोलन देते हैं, देन इसको भी ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा जैसा कि अभी हम लोग ऊपर में देखे हुए थे, ट्राई और कैच के अंदर में लिख लिए। देन अब क्या करेंगे, एक एक करके सारा वैल्यू को हम लोग को सेट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग अभी ऐड किए हुए थे तो उसी को सेट कर लेते हैं डायरेक्ट कॉपी करके। तो चलिए वन से कॉपी कर लेते हैं, हाँ फिर पेस्ट कर देंगे। तो जो मेरा पहला रिकॉर्ड है, तो पहला रिकॉर्ड मेरा क्या था, तो हाँ नेम था। तो चलिए फर्स्ट वाले को तो हम हटा ही देंगे क्योंकि नेम है मेरा फर्स्ट, तो चलिए फर्स्ट वाले को हटा देते हैं। तो यहाँ पे अब वन करना होगा, तो चलिए वन कर देते हैं। दूसरा मेरा क्या था, टू कर देते हैं, लास्ट नेम ही था। तीसरा मेरा क्या था, तो कोड था, तो तीसरा कर देते हैं। देन उसका चौथा मेरा क्या है, तो टेलीफोन है, तो चौथा कर दिए। और पांचवा मेरा क्या है, यहाँ भी पांच रिकॉर्ड हम लोग को करना है, तो लेकिन पांचवा मेरा है क्या, तो पांचवा मेरा आईडी है। तो चलिए आईडी वाले को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, आईडी मेरा इसमें और पांच नंबर में पास कर रहे हैं, तो चलिए आईडी को हम सबसे लास्ट में पास कर देंगे। तो आईडी को पांच नंबर में हम लोग पास कर देंगे, तो यहाँ पे फाइव दे देंगे, 4 5। अब क्या करेगा मेरा, ये अपडेट कर देगा। तो अपडेट करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा। क्वेरी तो हम अभी लिख लिए लेकिन इसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जल्दी से कमांड करके बताइए हमको, पीएचटी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो इसको हम लोग इस मेथड को कॉल कर लेंगे, जैसे ही इस मेथड को कॉल करेंगे अगर सब चीज सही रहा तो एग्जीक्यूट करके अपडेट कर देगा मेरा डाटाबेस में। जैसे ये तो डाटाबेस में मेरा अपडेट करेगा, तो डाटाबेस से हम लोग को हम फिर से उस रिकॉर्ड को शो भी करना होगा टेबल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो रिकॉर्ड नाम से जो मेथड बनाए हुए थे उसको कॉल कर लेते हैं। तो चलिए ये तो हो गया मेरा, ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देते हैं। अब रन करके देखते हैं कि अपडेट होता है कि नहीं मेरा।
अगर अपडेट सक्सेसफुल रहा तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि डिलीट कैसे करेंगे, या फिर कुछ ही रह रहा है तो हम लोग सही करेंगे। तो अपडेट करना चाहते हैं तो चलिए किस रिकॉर्ड को हम लोग अपडेट करें, तो चलिए इसी में हम लोग मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं, तो बाकी रिकॉर्ड मेरा सेम रहेगा, तो रिकॉर्ड सेम ही रहेगा, तो मोबाइल नंबर हम लोग अपडेट कर लिए। तो अभी जो मोबाइल नंबर मेरा है यहाँ पे देख सकते हैं चेंज है, तो अब अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट हो गया। यानी तो अगर हम लास्ट नेम चेंज करना चाहें तो लास्ट नेम को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए लास्ट नेम हम चेंज किए, अब जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक किए तो मेरा जो लास्ट नेम है वो चेंज हो गया यहाँ पे। अब फिर से चेंज करना चाहें तो हम फिर से चेंज कर सकते हैं, फिर से अपडेट पे क्लिक किए हैं तो जो भी रिकॉर्ड हम अपडेट करना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक कर रहे हैं मेरा रिकॉर्ड अपडेट होते जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइए कि अभी तक आपको कैसा लगा, या आप कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि अभी मोबाइल नंबर हम अपडेट किए थे लास्ट टाइम, अपडेट करने के बाद फिर से चेंज कर दिया तो ये तो मेरा फिर से शो हो गया। तो जो अपडेट कर रहे हैं तो ये देखिए मेरा MySQL डेटाबेस में भी अपडेट होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे कुछ और है। अब जैसे ही फिर से कमांड को रन करेंगे अब दोनों में आप देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड का मोबाइल नंबर है चेंज हो गया, अपडेट हो गया है मेरा वहाँ से। फिर से हम करना चाहें तो वो भी मेरा हो जाएगा, तो हम MySQL डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है और टेबल में भी अपडेट हो जा रहा है। तो चलिए अब कोई रिकॉर्ड को हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कैसे होगा उस पर देख लेते हैं। तो डिलीट वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट में आएंगे, एक्शन एक्शन परफॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग को डिलीट करना है तो फिर से वही काम करेंगे, PHT इक्वल टू कन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसमें क्या करेंगे फिर से हम लोग क्वेरी को पास करेंगे। तो डिलीट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो डिलीट फ्रॉम यहाँ पे टेबल नेम देते हैं, तो टेबल मेरा क्या था तो स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट दे देंगे। देन उसका कंडीशन देते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड हम लोग को डिलीट करना है इस टेबल से, तो टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया स्टूडेंट। देन उसमें से हम कंडीशन देंगे वेयर ना आईडी इक्वल टू 1, और इसको पास करेंगे PHT.set स्ट्रिंग से। इसको फिर से हम लोग को ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा, तो फिर से वही काम करेंगे ट्राई और कैच यहाँ पे ऐड करेंगे, देन PHT.set स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेरा क्या होगा तो 1 पास करेंगे, 1 में मेरा क्या होना चाहिए तो txt id.getText, जो मेरा टेक्स्ट है वो गेट कर लेगा यहाँ से। और इसको अपडेट करने के लिए फिर से क्या करेंगे PHT.execute update, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं, डिलीट का मतलब है तो अपडेट ही हो रहा है टेबल में, तो अपडेट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो इतना करने के बाद मेरा डिलीट कर देगा रिकॉर्ड अपने डाटाबेस से, लेकिन डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट होगा तो वो तो हम पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी जो मेथड है मेरा सो रिकॉर्ड इसको कॉल कर लेते हैं। तो जैसे इसको कॉल करेंगे तो जो डिलीटेड रिकॉर्ड है वो फिर से मेरा शो होने लगेगा। चलिए रन करके हम लोग देखते हैं कि जो मेरा है कि वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी रन किए हुए थे वो कैंसिल नहीं हुआ, तो चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। देन अब इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन सा रिकॉर्ड हम लोग को डिलीट करना है, तो चलिए फर्स्ट रिकॉर्ड को ही डिलीट करते हैं, तो जो यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है अभी, इसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक किए देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया यहाँ से। तो लेकिन अभी यहाँ से क्लियर नहीं हुआ क्योंकि क्लियर हम लोग किए नहीं, तो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज अभी चाहे हम सेम रिकॉर्ड को ऐड करना तो ऐड बटन पे क्लिक करें तो देख सकते हैं कि मेरा ऐड हो गया। अगर अपडेट करना चाहें तो अपडेट बटन पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड पर अगर देखना हो, जैसे फर्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है इस टेबल का वो इसमें कैसे शो होगा वो देखेंगे। देन उसका नेक्स्ट करेंगे तो उसका जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग एक एक करके सब रिकॉर्ड को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, प्रीवियस करके बैक आ सकते हैं। लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो जो मेरा सबसे लास्ट रिकॉर्ड है वो इसमें शो हो जाना चाहिए। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें टेबल पे हम जैसे ही क्लिक करें और जो कॉलम को हम लोग सिलेक्ट करें रो कॉलम को, उसका जो रिकॉर्ड है इस में शो हो जाना चाहिए इस टेक्स्ट फील्ड में। तो ये सब ऑपरेशन हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और टॉपिक भी वीडियो चाहिए तो वो भी हमको कमेंट कर दीजिए, वो उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।